आगामी चुनावी किला कितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, और इसको भेदने के लिए विपक्ष के पास उसके तरकश में कितने तीर हैं, यही आज की चर्चा का विषय रहेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात मेरे प्रधान के लिए आपने मुझे बकवास बोला, यही बेवकूफी है आप लोगों की, आप लोग इसी चीज पर चलते हैं। आरुषि जी बोलिए, बहुत सीधे चली गई। साफ तौर पे भाजपा का चरित्र अब जनता को नजर आ रहा है। इन्होंने जो बड़े बड़े टेंडर जिन लोगों को दिए हैं उनसे इन्होंने मोटा मोटा चंदा लिया है। किस तरीके से भ्रष्टाचार में ये पार्टी लिप्त है, किस तरीके से इनका दोहरा चरित्र नजर आता है। गाय माता के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, और दूसरी तरफ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गौमांस, उन पर ये जो है उनसे मोटा मोटा चंदा लेते हैं। तो ये इनका चरित्र जो है आज जनता को साफ नजर आ रहा है, और जनता इन्हें आईना जरूर दिखाएगी। अगर ये ईवीएम हैक ना कर पाए तो जनता इन्हें आईना जरूर दिखा देगी। जिस तरीके से बात कर दी चुनाव से पहले, पहले स्वीकार कर लिया कि आपकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। आपने जमा आपने स्वीकार कर लिया कि आपकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं, क्योंकि ईवीएम की बात आप इलेक्शन के बाद किया करते थे कि जब आप चुनाव हार जाते थे उस समय आप ईवीएम हैक की बात करते थे। आपने आपने इलेक्शन से पहले ईवीएम की बात कर दी, यानी आपने स्वीकार कर लिया कि आपकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। दूसरी तरफ इतना मोटा चंदा आप ले लेते हैं, पूरा देश आप बेच देते हैं। जिन लोगों को आपने देश बेचा है साफ सामने आ चुका, उन लोगों से कितना कितना चंदा। आरुषि जी एक मिनट आपके पास है, फिर पनेरू जी के पास जाऊंगा, एक मिनट बोलिए जी। बिल्कुल जो है साफ नजर आ रहा है, गौ मास एक्सपोर्ट करने वालों से ये चंदा ले रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, सबसे जो है अनपढ़ गंवार, अनपढ़ गंवारों की ये सरकार बना रखी है। शर्म कीजिए आप। उसके बाद में जो सिर्फ जो है आपके एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, अगर आपके एड बंद हो जाए ना तो आपके सरकार धरातल पर काम करते हैं, धरातल पर काम करते हैं, आपकी तरह शिलापट लगाकर भूलते नहीं है। चलिए चलिए फाइनल कमेंट लेता हूँ, फाइनल कमेंट लेता हूँ, बहुत बहुत तीखी बहस हो गई, भूलते नहीं है। पंकज पनेरी, पंकज पनेरी, पंकज पनेरी की बात करता हूँ। चलिए आरुषि जी, आरुषि जी वर्मा जी, पेंडिंग योजना परियोजना, आरुषि जी वर्मा जी कर रही है, वर्मा जी आरुषि जी परियोजना की बात कर रहे हैं, समय खत्म हो रहा है, बांध की बात कर रहे हैं, वर्मा जी चांदी पुल की बात करें, आरुषि जी आरुषि जी आरुषि जी लोगों ने योजना परियोजना लटका के रखी, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपको आपको जानकारी होनी चाहिए, निकलना पंकज जी के पास जाना है। आपको भ्रष्टाचारी घोटालेबाज घोटाले वालों के पीछे खड़े होते हैं, अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के साथ आप खड़े होते हैं। चलिए चलिए तमाम मेहमानों का हम धन्यवाद करेंगे, पंकज पनेरू जी माफी चाहेंगे, आपके पास आना चाह रहे थे। विपक्ष शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, और ये चुनावी गर्मी है, जैसे जैसे तापमान गर्म हो रहा है चुनावी तापमान भी बढ़ता जा रहा है, ये डिबेट का हाल है। तो देखिए जब मैदान पर नेता उतरेंगे तो कितनी तलखी होगी उनके भाषणों में। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, संजीव वर्मा जी, आरुषि सुंदरियाल जी।